हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो जो आज की वीडियो है, एक्चुअली इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स अ वीडियो। इट्स वेरी स्पेशल एंड क्लोज टू माय हार्ट, राइट। इस वीडियो पे मैं, यू नो, आई वाज वर्किंग सिंस लास्ट 3 डेज। इसमें मैंने मेरी शादी की जो भी, यू नो, रस्में थी, रिचुअल्स थी, वो शादी का मैंने दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली शादी की वीडियो तो बहुत लंबी थी, 5-5.5 घंटे के अराउंड थी, बट मैंने उसको शॉर्ट करके अराउंड 18 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ और शादी प्रॉपर हरियाणवी स्टाइल में हुई है, गांव में हुई है। ऐसा नहीं है कि शहर में या किसी वाटिका में हमने शादी की है। तो मैंने कोशिश की है कि गांव में कैसी शादियाँ होती हैं। जो हरियाणवी लोग हैं, जो देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा रिचुअल्स क्या क्या होती हैं। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये रिचुअल्स होती है, या कोई और भी आपके होती हो तो वो भी बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है उसको 18 मिनट में, यू नो, सारी हाइलाइट्स शो करने की, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे रिचुअल्स दिखाने की, जो जो रस्में होती हैं। आई होप यू गाइस विल लाइक इट एंड यू विल सी दैट गांव में जो शादियां होती हैं, एक्चुअली उनमें भी बहुत मज़ा आता है। मेरे, एक्चुअली इन माई ओपिनियन, जो शहरों में होती हैं, वाटिका में या इन सब में, उनसे ज़्यादा, यू नो, मज़ा और जो, यू नो, फन होता है, वो एक गाँव में जो शादी होती है उसमें होता है। सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और, यू नो, बहुत ही अच्छा लगता है। सो अभी देखते हैं वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी ये 1 मिनट तक हाइलाइट्स चलेंगी सब। ये पोज सब फोटोग्राफर बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, मेहंदी देखनी है, अपना घूंघट पकड़ना है, या ऐसे ऐसे। वैसे मुझे तो उसने 2-3 पोज ही बताए थे, उसके बाद मैंने खुद ही कर लिए थे। उसने बोला आपको तो आता है, आप खुद ही पोज दे दो। ये है मेरा ससुराल। ड्रोन से सब भी ये फोटो ली हुई है। एक्चुअली हमारे साइड की कम ही है वीडियो, प्रदीप के साइड की ज़्यादा है। और ये प्रदीप डांस कर रहे हैं, सभी डांस कर रहे हैं। को भी डांस करना होता है गांव में। और यहाँ मुझे घुसा दिया इन्होंने, ये देखो घूमते हुए। लेडीज बहुत डांस करती हैं और वो भी इतना तैयार हो के इनकी साइड। गांव में सब खुश होते हैं जैसे कोई शादी होती है, घर में तो पूरा गांव। गांव में ही हुई थी एक्चुअली शादी, ऐसा नहीं है कि कोई शहर में या वाटिका में हुई हो। ये पहली रिचुअल स्टार्ट हो चुकी है प्रदीप की। ये कुछ है गेहूं ही हुई या पता नहीं क्या ऐसे करते हैं, बान बिठाते हैं शायद इनको अभी। हाँ, जो है इसमें हल्दी और ये तेल चढ़ाया जाएगा और शादी वाले दिन उतारा जाता है। हाँ, ये या तो 7 दिन का होता है या 5 दिन का भी कर सकते हैं। आजकल 3 दिन का भी करते हैं, 3 दिन का। हाँ, हमारा 3 दिन का ही था। अब इनको हल्दी लगाई जा रही है, ये तेल चढ़ाया जा रहा है। ये अब नीचे से ऊपर लेके गया है। हाँ, ये बड़ी माँ है और पापा है, मतलब मेरे मदर इन लॉ। अभी है भात सेरेमनी। ये शादी से 1 दिन पहले वाला दिन जो कि मेन प्रोग्राम होता है। इसमें ये मेरी सास है, इनके भाई भाभी और वो सब आते हैं गांव की तरफ से और कुछ कुछ सामान लेके, गिफ्ट्स लेके सब देते हैं। ये रिचुअल्स होती है इसलिए कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं फैमिली में। ये है हमारा घर, मेरा ससुराल मतलब। और अब भी आ चुके हैं ये हमारी तरफ से। ये मेरे पापा हैं जो हाथ जोड़ रहे हैं दूर से ही। ये टिक्का बोलते हैं, फलदान या तिलक, कई जगह इसमें फल भी हैं। लगन लेके आई है, आई गेस ऐसा भी बोलते हैं। इसको गांव में लगन बोला जाता है, हर जगह अलग अलग है। सबने व्हाइट कुर्ते पजामे पहने हैं इन्होंने एकदम, यू नो, सिंक में व्हाइट कुर्ते पजामे मेन है। ये आ गए चौधरी साहब, देखो पजामे पहन के, कोटी वोटी सब पहन के, बढ़िया शरीफ होके, नेहरू जैकेट। ये पापा इनको दे रहे हैं गिफ्ट विफ्ट जो भी लाए हैं अपना। ये भाई भाई बैठे हैं। कितनी लेडीज इकट्ठा हो रही हैं और सारे जेंट्स, और अब इनकी बहुत इनकम होने वाली है, सब इनको पैसे देंगे इस टाइम पर। वो आशीर्वाद होता है जेंट्स। वो आशीर्वाद एक्चुअली 5 या 6 जगह मिलता है शादी के टाइम पे। तो और ये इनको वो नाल बांध दिया है, ये देखो कितना सारा बांध रखा है पहले से ही, और अभी तो और भी बंधेगा। हाँ, ये डेली या फिर जो भी रस्में होती हैं तब। हाँ, तब एक बार होता है। वेटर भी हैं यहाँ सब, देखो पानी वानी। ये चाचा है मेरे, इनको गिफ्ट दे रहे हैं सूट या जो भी लाए हैं। हाँ, सासू माँ के, और ये फिर मम्मी को दिया जाता है लास्ट में। ये भाई हैं जन्म के, इनको चेन पहना रहे हैं भाई।
और ये इन्होंने सब मम्मी को दे दिया है, अब ये सारी लेडीज भी इनको पैसे देंगी। ये आशीर्वाद है। ये भाई साहब हैं और ये उनके दोस्त, फोटो सेशन करवाएंगे अब सब। ये हम फिर से आ गए इधर बीच में, ये याद दिला रहे हैं कि शादी हमारी है। ये आशीर्वाद कहीं भी मिलता रहता है आपको शादी के टाइम पे। ये भाई हैं, ये देखो भाई की लड़कियां हैं कि चुपके चुपके से चाउमीन खा रही हैं अकेले अकेले, और फोटोग्राफर ने ढूंढ लिया। इसमें कोई शादी के टाइम पे कहीं भी पकड़ के फोटो शूट करवाना शुरू कर देता है। आ जाओ मेरे साथ एक फोटो। अब ये चाक पूजन होता है, इसमें भाभी होती हैं, वो कुम्हार के घर से मटका लेके आती हैं। हाँ, और डांस वांस भी होता है, पूरे रास्ते में डांस करते जाते हैं और आते हैं। ये लगा लो कि होता ही रहता है लगन के बाद से शादी वाले दिन तक। और इतना तैयार हो गए और इतनी गर्मी में, आप सोचो 22nd ऑफ मई को, मई में कितनी गर्मी होती है। ये भाभी जी, ये तीनों भाभी हैं। ये भाई है। अब ये रख के और डांस करने चली गई थी। और ये लेट नाइट का सीन है, ये इनका सेट, ये सेट लगा रखा है इन्होंने पूरा शादी में। मतलब उस दिन का काम अब खत्म हुआ, अब अगले दिन जाने को लेने जाएंगे। ये डीजे लगा हुआ भी है यहाँ, देखो आपको दिख रहा होगा, ये 5 दिन तक चलता है पूरा। अब ये शादी वाला दिन है, मैं जिस दिन घोड़ी पे बैठना होगा और फिर से इनको अभी ये इनके घर जाएंगे। ये आशीर्वाद दोबारा शुरू हो गया, तेल वेल उतार दिया था, फिर शुरू करेंगे। मुझे ही नहला दिया इन्होंने तो, नहलाना मुझे। फिर बांधने लग गए, ये देखो कड़ा भी पहना हुआ है, ये भी भाई ने पहनाया था। ये भाभी इनको काजल लगाती हैं, ये भी एक रिचुअल्स होती है शादी में। आशीर्वाद का टाइम, फिर से आशीर्वाद का टाइम, सेल इनकम मिलेगी इनको तो बढ़िया। और ये भाई घोड़ी पे बैठते टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई अब गिरेंगे कैसे यार, कोई फर्स्ट टाइम घोड़ी पे बैठ सकता है, आज तक नहीं बैठे हो गए शादी में। इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि भाई एक दिन बैठ के देख ले, पर मजा आता है जो भी है रस्म में, अच्छा लगता है। अब इनके निकासी निकल रही है, ऐसा बोलते हैं तो, मतलब ये हर पूजा वूजा होती है 2-3 जगह गांव में, फिर फाइनली मंदिर में होती है, उसके बाद रौनक। देखो यार गांव में मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है खुशी के टाइम पे। ऐसे वाटिका में अगर आप करो तो ऐसे कम लोग आ पाते हैं, तो इसलिए गांव में ही हमारी शादी हुई थी। और ये देखो मैं कहां घोड़ी पे बैठ के आ रहा हूं, और आगे देखो कितने लोग हैं, इतने लोग पीछे हैं, तो बहुत मजा आता है। और सब डांस करते हुए जाती हैं, मतलब जेंट्स को तो इनके यहाँ मौका ही नहीं मिलता डांस करने का, लेडीज ही इतनी होती हैं कि वही नाचती रहती हैं। जेंट्स को मिलता है बारात में आगे। हाँ आगे बारात में मिलता है, लड़कियाँ कम जाती हैं हमारे, बहुत मजा आता है। अब ये देवी देवताएं हैं हमारे। हाँ ये 2-3 जगह है अभी, सब जगह नरसिंह बाबा और इनका भी पूजन होता है, सबका पूजन होता है, 3-4 हैं। बारात चढ़ने से पहले ये हर जगह पूजा करते हैं, फिर आते टाइम के साथ करेंगे। अब मंदिर जा रहे हैं सब, और मंदिर से बारात का प्रस्थान होगा। ये मंदिर, ये मम्मी नाच रही है, मेरी मदर इन लॉ हैं ये। ये भाई साहब हैं, अब ये मंदिर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ भी पूजा वूजा करेंगे सब, फोटो वोटो सेशन सब होगा यहाँ। और अब ये यहीं से फिर बैठ जाएंगे गाड़ी में। ये देखो हमारी गाड़ी, प्रदीप वेड्स जेनी, सबने मिलके बिठा दिया। अब डिसेंट सी गाड़ी, वैसे इन्होंने डेकोरेट करवा रखी है, लाइक इट, मुझे ये पसंद आई। बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत सारी सबने ही गाड़ियाँ डेकोरेट करवा रखी थी, ऑलमोस्ट 5 या 7 गाड़ियाँ डेकोरेट करवा रखी। देख रहे हो तो इतना ही होता है, ये देखो सब सबने कुछ कुछ डेकोरेशन करवा रखा था अपनी अपनी गाड़ी का टाइम है और बढ़िया। ये पहुँच गए हैं हमारे घर, अब मिलनी होने वाली है यहाँ सब, बड़े बड़े मतलब बड़े बुजुर्ग मिलते हैं एक दूसरे से, गले मिलते हैं, तो ये रिचुअल्स होती ऐसी हैं कि सब प्यार से रहें एक दूसरे के साथ। और अब ये पहुँच चुके हैं पटाखे, और हमारे गाँव में एक्चुअली पटाखे बैन थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर फाइन भी लगवा दिया था। शादी में पटाखे डीजे सब बैन है एक्चुअली हमारे गांव में। वो अच्छी चीज भी है। अभी ये गणेश जी हैं, उस इनको प्रदीप को टच करना है, ये भी एक रिचुअल होती है, नीम की पत्ती से अगर टच होगा तभी ये अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पर इन्होंने टच कर लिया है, सक्सेसफुल हो गई है, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब देखो क्या क्या होने वाला है इनके साथ, इनको पता नहीं है। अभी मम्मी आ गई है, मेरी मम्मी बहुत ही सिंपल है, इन्होंने कुछ नहीं ऐसे, नहीं तो ये कान खींचा जाता है, मम्मी ने प्यार से कान पे घी लगाया थोड़ा सा। ये मेरी दी हैं,
अब इनका ये जो फीता वीता काटते हैं, इनकी कैंची पे हमने फेविकोल लगा दिया था, इनसे मुश्किल से खुली ये कैंची। और यहाँ पे वो होता है, और अब ये पैसे मांग रहे हैं हम, और इन्होंने पैसे नहीं दिए बिल्कुल भी, ये कंजूस। हमारा रिवाज ये है कि पैसे देने नहीं है, इनका ये है कि पैसे लेने हैं। और मेरी एंट्री हो चुकी है अभी। और यार ये इतना हैवी मेकअप और लहंगा और सब था ना, मैं इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था वोमिटिंग आ जाएगी यार। मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी, मुझे चला भी नहीं जा रहा था। और ऊपर से हील जो मैंने आज तक ही नहीं पहनी थी, शादी में फर्स्ट टाइम हील पहनी थी इतनी। और ये जो चुन्नी ऊपर जो पकड़ रखी है चारों तरफ से, भाई पकड़ते हैं, और ये मेरी सिस्टर है दोनों, पीछे उनकी लड़कियाँ। और फाइनली इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है अभी यहाँ सबके सामने। अभी गांव में तो था शादी एक्चुअली, बट ये रोटेटिंग स्टेज लगवा रखा था गांव में, अच्छी डेकोरेशन करवा रखी थी। अब हम जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, वहाँ पे वरमाला होगी और पूरे गांव के लोग नीचे खड़े होते हैं, तो इतनी नर्वसनेस हो जाती है। और वो ऊपर से घूमता भी है, और ये देखो अभी जाएंगे ऊपर, हाईलाइट हो गई कपल्स। और इस टाइम इन्होंने बोला था कि वो फोटोग्राफर ने कि धीरे धीरे से माला डालना, अदरवाइज मैं तो फटाक से पहना देती। प्रदीप शादी यही कंप्लीट हो जाती है, वरमाला डालते हैं, इसके बाद फेरे बचते हैं। अभी ये भी धीरे धीरे डालेंगे, कभी कोई ना फनी ना हो जाए, कभी मैं ही गिर जाऊं, मुझे इतना डर लग रहा था यहाँ। काफी लोग वीडियो बनाते हैं कहीं, अब ये घूम रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने तो प्रदीप के हाथ ही पकड़ लिए थे, फिर उसने ज्यादा नहीं घुमाया, ऊपर तक नहीं लेके गया, उसको पता चल गया था कि मैं डर गई। ऊपर से कुछ ऊपर। चलो फाइनली अब जाएंगे हम, स्टेज प्रोग्राम होगा वहाँ, फिर से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। मतलब ये सब मेरी हेल्प कर रही है स्टेज पे चढ़ने में, लहंगा एक्चुअली बहुत हैवी था। अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी फिर से, अब आएंगे जाने की मम्मी, मम्मी पापा, पैसे देंगे, सब देंगे अब। और फोटो क्लिक होगी, ये फोटो सेशन होगी। यहाँ फोटोग्राफर ने बोला था कि आप स्माइलिंग करते हुए अच्छे लगते हो, ऐसी फोटो लो। अब हो गया है फेरे का टाइम फाइनली, और यहाँ पे वो जो पंडित जी ने जो जो भी बोला था उसके अकॉर्डिंग करते जाना होता है, पता नहीं क्या क्या मतलब समझाते हैं, और यहाँ बहुत सारी रस्में होती हैं। हाँ वो सब समझाते हैं कि इस फेरे का ये मीनिंग है, और ये मैं सब बताया था उन्होंने, वैसे मुझे याद तो नहीं है। हाँ ये भी वो डालना होता है। और यहाँ पे जो लेडीज बैठी है हमारी तरफ से, वो सब गीत गाती हैं। वो गीत नहीं गाती, वो मजे लेके लड़के साइड वालों पे गीत बना बना के गाती हैं। और यहाँ ये दीदी हैं, और अब प्रदीप को का ये हाथ हैंड का वो लगवाया जाएगा, मेरा तो पहले ही लगवा चुके हैं। और ये मम्मी मेरी, ये मेरे ससुर जी, और इन सबको पीछे मेहंदी का वो लगाते हैं हाथ इनकी शर्ट पे या जो भी पहना होता है। अब ये शायद विदाई का टाइम आ चुका है, उससे पहले जूतियां आ गई मेरी, और इन्होंने पैसे नहीं दिए इस टाइम भी। जूते चुराए हमने, फिर भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसे हमारी साइड में रिवाज ये है कि पैसे देने नहीं होते, बहुत कम पैसे दिए इन्होंने, कंजूस हैं ये। अब फाइनल विदाई का टाइम हो गया है, और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है एक्चुअली, मतलब ना चाहते हुए भी मैंने सोचा था मैं तो नहीं रोऊंगी, पर रोना ही जाता है इस टाइम पर। इतना है कि इसको एडिट करते टाइम हमने तीन या चार बार देखा, तो तीनों चार बार आंखों में पानी आ ही गया था। यहाँ सब मम्मी, ताई जी, पापा, दीदी, सब ऐसे कर रहे हैं, तो ये ना एक थोड़ा हो ही जाता है उस टाइम पर। हाय मेरा मेकअप खराब हो गया होगा, मैं रोई तब। पहली बार मैंने इतना हैवी मेकअप करवाया था एक्चुअली, अदरवाइज तो मेकअप नो बिल्कुल भी नहीं। अब जाने की मम्मी आई है, अब मम्मी पीछे से आई है, अब मुझे फिर रोना आ जाएगा। और यहाँ इधर भाई कह रहा है चलो चलो चलो। ये फाइनली विदाई का टाइम हो चुका है भाई, वो मामा जी का लड़का है जो पीछे रेड शर्ट में दिख रहा है, ये दीदी पानी का गिलास लेके आई है, और साथ में भाई भी जाता है एक्चुअली लड़की के साथ, मतलब मेरे साथ।
भाई भी गए थे। हाँ, फिर अगले दिन वापस आना होता है जर्नी को लेके। हाँ, मुझे पग फेरे के लिए वापस लेके आना होता है। वो वीडियोग्राफर तब तक चला जाता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, मैं अभी भी रो रहा हूँ। 10 मिनट बाद सही हो जाएंगे, जैसे ही रोड पे चलेंगे हंसने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट है, इमोशनल तो होता ही है यार ऐसे। बट हाँ, जब मेरी फोटो लेने लगेंगे ना अगले दिन वहाँ पहुँच के, तो मैं एकदम स्माइलिंग फेस, यू नो, फोटो खराब नहीं आनी चाहिए। ये हम पहुँच चुके थे वैसे रात को, फोटोग्राफर वहाँ था नहीं, तो अगले दिन फिर से ये कुछ रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ फोटोग्राफर आया था जब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं। अब प्रदीप जहाँ अकेले करके गए थे वहाँ हम दोनों करेंगे साथ साथ हर जगह। और यहाँ भी सब घर से लेके मंदिर तक डांस करते हुए आना जाना ऐसे चलता रहता है। हम तो बढ़िया गाड़ी में बैठे थे। हाँ, हम तो गाड़ी में बैठे थे, वैसे सब लोग गर्मी में डांस कर रहे थे। मम्मी आ गई हैं, चलो ये देखो इनका हो गया फिर से शुरू डांस। यही रौनक है यार गांव में शादी करने की। गर्मी नहीं लग रही थी यार इनको, में भी यहाँ भी बहुत सारी होती हैं वो जो डंडी मारते हैं एक दूसरे को, वो भी खेलते हैं और हाँ, वो भी होने वाला है अभी। अब देखो जाने कितनी खुश हो गई यहाँ पे। वैसे सबने मेरी तारीफ की थी कि हंसते हुए जैनी बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे ही रहा कर सब देख रहे हैं। ये डंडी वाला खेल, ये बाकी सब घूंघट में है और मैं देखो कैसे। अब हम खेल रहे हैं दोनों, हमने आराम आराम से। और ये देखो ये भाई भाभी कैसे खेल रहे हैं। ये भाभी और इनके देवर ये बहुत तेज तेज मार के खेल रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे खेलते हैं, मेरे साथ भी मेरे देवर थे 2 या 3, वो भी खेल रहे थे। तो यार जो हरियाणा वाले हैं वैसे उनको तो ये समझ आ ही रही होगी। हाँ, ये होता है हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनमें ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, बाकी तो लग रहा होगा, बाकी को लग रहा होगा यार ये क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था, सब सोच रहे इतने दिन, पर मजा बहुत आता है, थकान होती है पर मजा भी आता है। ये मंदिर में पहुँच गए फाइनली हम, और प्रदीप ने भी मेहंदी लगवा रखी थी बहुत अच्छी, इनके अच्छी थी। जितनी ज़्यादा मेहंदी अच्छी रखे और यहाँ बड़ी माँ है मेरी जो मदर इन लॉ हैं बड़ी, वो सो रही हैं। इतनी थक गई थी कि वो मंदिर में ही सो गई है। या बुद्ध को उठाएंगे अभी, कैमरा दिख आपको, देखो कैमरा आपके ऊपर है। थकान इतनी होती है कि 10 मिनट की नींद भी अगर आपको मिल जाए तो आप। बस अब सब होके पूजा वूजा मंदिर से हम वापस जा रहे हैं। और ये देखो दीदी, भाई साहब की लड़की है, इन्होंने मेरे लहंगे को पकड़ा हुआ है कि नीचे मिट्टी में ना टच हो जाएगी। अब वापस जाएंगे ऐसे ही डांस करते हुए, हम तो पीछे गाड़ी में बैठे हैं। मेरा भी मन तो कर रहा था डांस करने का, बट गर्मी बहुत थी, गर्मी थी। और ये लड़कों को मौका मिल गया भाई एक बार शादी में डांस करने का। वैसे तो ज़्यादा नहीं मिलता, लेडीज ही करती हैं। अब घर पे भी बहुत सारे रिचुअल्स होंगी, ये इनके जो भी जितने भी वो नाल वाल थे अब मैं खोलूँगी। एक को छोड़ के, हाँ एक को छोड़ के, मैं दोनों हाथ यूज़ कर सकती हूँ। प्रदीप जब मेरे खोलेंगे जो बांधे हुए हैं वो एक हाथ से ही खोलेंगे। बट जैसे तैसे करके इन्होंने भी फिर बोला कि एक से नहीं खुल रहा है तो दोनों लगा लेता हूँ, तो फिर खोल दिया था दोनों लगा के हाथ। वही अंगूठी वाला आ गया भाई, इसमें 7 बार ढूंढना होता है जिसमें से 5 बार मैं जीती थी और प्रदीप सिर्फ 2 बार जीते थे। अंगूठी ढूंढनी होती है, मैं इसमें भी मैं दोनों हाथ यूज कर सकती हूँ एक्चुअली, और लड़का जो होता है वो सिर्फ एक ही हाथ यूज कर सकता है। पूरा हाथ नीचे लगाया हुआ है जहाँ गिरी हुई है, मैं ऊपर ऊपर देख रहा हूँ। तभी इनको एक बार दो बार ही मिला, मैंने उंगली के ऊपर वाली अंगूठी पकड़ी हुई थी उंगली। एक बार तो मैंने जबरदस्ती लास्ट में मैंने कहा चलो छोड़ो आप भी क्या याद करोगे, मैंने इनको जीतने दिया। बच्चे भी मजे ले रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारी रिचुअल्स थी बट ये ज्यादा दिखा नहीं पाए,
और फाइनली बस लास्ट में भी ये हमारी फोटोज ही लगाई है उन्होंने पोज वोज में। सो आई होप आपको पसंद आई होगी ये सब। So now we will see you in the next vlog. Till then, bye-bye. Take care.